हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नो एसक्यूएल क्या होता है और क्यों आज की डेट में, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो मार्केट में एक टर्म यूज हो रही है कि नो एसक्यूएल को यूज़ किया जाए, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। अभी तक का मतलब काफ़ी सालों से जो हम लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं, आप MySQL यूज़ करें, Oracle यूज़ करें, SQL सर्वर यूज़ करें, ये सारे के सारे जो आपके डेटाबेस हैं ये RDBMS पे बेस्ड होते हैं, जिसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब RDBMS क्या बोलता है कि आपका जो भी डेटा होता है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल होती है, टेबल के अंदर रो और कॉलम होती है। और अब एक सडनली कुछ टाइम से एक बहुत पॉपुलर टर्म आ गया, नो एसक्यूएल। लेकिन अब आ जाता है कि ये है क्या। तो ये भी एक तरीका है डेटा को स्टोर करने का अपने डेटाबेस में। पर अगला क्वेश्चन ये है कि क्यों हम लोग नो एसक्यूएल का यूज करें RDBMS को छोड़ के। सालों से हम जिस चीज को यूज करते आए हैं, सडनली अगर एक नई चीज आई है और वो हमें ये बोलती है कि हम बढ़िया हैं, तो क्या हम वो पुरानी चीज को छोड़ दें। और अगर बहुत सालों से जो हमारे सिस्टम उस टेक्नोलॉजी पे बने हैं वो डेटाबेस का यूज करके बनाए गए हैं, तो उनका क्या होगा। नो एसक्यूएल क्या है, एक तरीका है डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने का। RDBMS आपको यह बोलता था अभी तक कि जब भी आप डेटाबेस की टेबल में कोई भी डेटा डालते हैं तो वो टाइम पे आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। जब आप उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू भी उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही डालनी पड़ेगी। नो एसक्यूएल यहां पर क्या बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, जो भी मेरे अंदर डालना है आप डाल सकते हो। ट्रेडिशनल डेटाबेस जिसको हम RDBMS भी बोलते हैं, अगर मैं वहां पे फिर से जाऊं तो RDBMS में एक्चुअली में दो प्रॉब्लम है उसके। पहला प्रॉब्लम है स्पीड का और दूसरा प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी का। जब मैं स्पीड की बात करता हूं तो आप बोलेंगे यार स्पीड में क्या प्रॉब्लम है, हम तो सालों से यूज करते आए हैं, स्पीड बहुत अच्छी है। लेकिन जब आपका डेटाबेस का साइज ज्यादा हो जाता है, जैसे कि मैं यहां पर गूगल के बारे में बात करूं, मैं फेसबुक के बारे में बात करूं, मैं अमेजोन के बारे में बात करूं, यहां पे अगर इन लोगों ने RDBMS का यूज करके डेटा स्टोर करा तो इनको प्रॉब्लम दो चीजों की आएगी। एक आएगी स्पीड की। स्पीड मतलब क्या कि जब डेटाबेस से डेटा फेच करना होगा वो टाइम पे इन्हें एक प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा प्रॉब्लम आएगा स्केलेबिलिटी का। जब भी हम लोग RDBMS का यूज करते हैं तो जो हॉरिजेंटली हमारा डेटा होता है वो मैनेज करने में हमें प्रॉब्लम आता है, कितना कॉलम बना लोगे। अगर मुझे डेटाबेस में डेटा डालना है, लेट्स से अज्यूम मुझे 1000 कॉलम की जरूरत है, मैं कैसे यूज करूं, मैं 1000 कॉलम तो बना ही नहीं सकता। तो नो एसक्यूएल यहां पे ये बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा डेटा है मुझे बोलो, मैं हर तरीके का डेटा अपने पास लूंगा। डेटा आपके पे डिपेंड करता है किस तरीके से स्टोर करना चाहते हैं। जैसे हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं, टेबल बनाएंगे उसमें कॉलम वाइज डेटा डाल देंगे, रो वाइज डेटा डाल देंगे। नो एसक्यूएल बोलते हैं ठीक है वैसे भी डेटा डालो, पर मेरे पास कुछ और मैकेनिज्म भी हैं, जैसे कि JSON के थ्रू आप सारा का सारा यूजर से डेटा लो। एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाया हमने, हमारे पास फॉर्म में 4 फील्ड है, हमने 4 फील्ड के बाद एक और फील्ड ऐड करना है, हमें फ्रंट एंड पे भी ऐड करना पड़ेगा, कोडिंग में भी लॉजिक लगाने पड़ेंगे और डेटाबेस में भी एक फील्ड बनाना पड़ेगा जब मैं RDBMS की बात करता हूं। पर नो एसक्यूएल क्या कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा जो भी यूजर का डेटा आ रहा है मैं उठा के JSON में डाल दूंगा। अब आप बोलेंगे ये काम तो RDBMS में भी कर सकते हैं, अगर यूजर का डेटा आया हम वहां पर भी JSON की फॉर्मेट में डाल सकते हैं। पर प्रॉब्लम आएगा स्पीड का। जब आपके डेटाबेस में बहुत सारा डेटा होगा और मुझे वो पर्टिकुलर JSON के डेटा में कुछ भी मॉडरेशन करना होगा तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी RDBMS पे। नो एसक्यूएल इसी चीज के लिए बनाया गया है। आप चाहें डेटा JSON के फॉर्मेट में डालें, आप चाहें डेटा नोट्स की फॉर्मेट में डालें, आप चाहें डेटा को की वैल्यू की फॉर्म में डालें, जैसा मन करे आप डेटा डाल सकते हैं, स्पीड आपकी यहां पर बहुत अच्छी होगी। चलिए यहां तक एक बेसिक लेवल पे अगर मैं समझूं तो समझ में आ गया कि नो एसक्यूएल का यूज जब भी हमें बड़ा डेटाबेस मैनेज करना है करेंगे, फायदे क्या हो जाते हैं कि हमारा डेटा किसी भी तरीके से डेटाबेस में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर नो एसक्यूएल इतना पावरफुल है तो क्या RDBMS बंद हो जाएगा। सालों से जिस चीज पे हम काम करते आए हैं क्या वो चीज बंद हो जाएगी, तो इसका आंसर है नो। ऐसा नहीं है कि RDBMS बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जब मैं नो एसक्यूएल के बारे में बात करता हूं यहां पे, तो नो एसक्यूएल का एक
डिसएडवांटेज है। मोर ओवर मैं ये नहीं बोलूंगा आपको डिसएडवांटेज है, पर एक जगह पे उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो हो जाती है, जहां पे RDBMS की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, और वो है एसेट प्रॉपर्टी। एसेट प्रॉपर्टी का यूज हम लोग ट्रांजेक्शन के टाइम पे करते हैं। आई गेस आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, और जो आगे हम आने वाले वीडियोस हैं उसमें मैं एसेट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगा ही आपको। तो एसेट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है जब भी आपको ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने होते हैं। एसेट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ट्रांजेक्शन कभी भी कोई डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, 100% सक्सेस रेट रहना चाहिए। तो जब आप RDBMS यूज करते हैं तो आपकी एसेट प्रॉपर्टी 100% चलेगी। जब NoSQL का यूज करेंगे तो स्लाइटली हो सकता है, बहुत स्लाइटली हो सकता है, मैं इसको 99 कर देता हूं, एक्चुअली मैं 99.9% कर देता हूं NoSQL में इसके चांसेस है चलने के, पर 0.1% चांसेस नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन डेली का लाखों में हो रहा है तो ये 0.01% जो है ये भी बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे प्ले कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसेट प्रॉपर्टी को NoSQL में यूज नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो, पर अलग अलग उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगेन जब मैं NoSQL की बात करता हूं तो अगेन मेरे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, हमारे पास मोंगो आ जाता है। पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा जो NoSQL पसंद है वो मोंगो पसंद है। मोंगो क्या करता है, जो भी आपके पास डेटा आता है जेसन के फॉर्मेट में ले लेता है, की वैल्यू की फॉर्म में आपको डेटा डालना यूज कर सकते हैं। रेडिक्स का नाम आपने सुना होगा, वो भी NoSQL पे चलता है, पर डेटा को अलग तरीके से स्टोर करता है। तो इस तरीके से आपका जो NoSQL है वो चलता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये, बहुत डिटेल लेवल पे मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा, और इस वीडियो का मतलब डेफिनेटली यही है कि बहुत जल्दी हम लोग NoSQL पे भी एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करेंगे, और यहां पे मैं मोंगो का यूज करूंगा। मोंगो को हम लोग देखेंगे किस तरीके से चलता है, और अगर हमारी लैंग्वेज के थ्रू मोंगो से कम्युनिकेट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम है अभी उसको आने में, अभी नहीं आएगा, पर एक थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए था, एक हेड्स ऑफ देने के लिए था कि हाँ भाई जल्दी से कुछ एक सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है हमारी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा NoSQL के बारे में भी। अगर आपने को पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पता है तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा कि बहुत जल्दी हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैनल पे। सो फ्रेंड्स आई होप जो मैंने आपको बताया है क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट है कुछ अभी नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत ज्यादा तो मैंने एक्सप्लेन करा नहीं है आपको, यहाँ पे बहुत टॉप लेवल पे आपको चीजें खाली बताई हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।